बैटिंग मिला, तो अब यही पिक क्या वेट करने वाले, अब देखते हैं क्या देर में और आती है दी। गाइस अभी रात के 11 बजे हैं और यार मुझे नींद नहीं आ रही यार, कल जाना भी है कॉलेज दी को लेके, तो जल्दी से सोने का कोशिश करते हैं और कल चलते हैं कॉलेज। गाइस तो अभी सुबह के 6 बज गए और मेरी शायद अभी सोई हुई है यार, क्या बोले है? उससे पहले हम उठ गए, उसका एग्ज़ाम और हमें टेंशन है, तो अभी जाते हैं उसको उठा के, फिर फ्रेश होके तैयार होके आपको दिखाते हैं कैसे लग रहे हैं, फिर उसके बाद चलते हैं दी के कॉलेज, फिर वहाँ का रिएक्शन, वहाँ का फेस रिएक्शन सबका देखेंगे यार, एग्ज़ाम है आज तो। अब जाने वाले हम लोग स्कूटी अपने बिल्लो रानी को लेके और कॉलेज को चलते हैं, और आप ब्लॉग में बने रहो, देखते रहो आगे क्या होता है। ओके गाइस, स्कूटी अपनी बिल्ली रानी को निकालने और फिर उसके बाद चलते हैं अपने दी के कॉलेज। ओके गाइस, फाइनली गाइस हम लोग अब जाने के लिए रेडी हो गए हैं, अब जाने वाला ये हमारे बिल्लो रानी, जिसमें पेट्रोल अभी उतना नहीं है यार, बट चल जाएगा। सो गाइस अब दिखाते हैं आपको कॉलेज, सीधा महिला कॉलेज जाके। ओके बाय। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं महिला कॉलेज, उधर ज़्यादा भीड़ था इसलिए इधर आके बना रहे। गाइस देखो पीछे का सीन क्या है, और भाई साहब महिला कॉलेज में ज़्यादा महिला लोग से ज़्यादा लड़का लोग है यार, बोल नहीं सकते, मतलब कि सब जगह लड़का लोग ही ज़्यादा रहेगा तो दिक्कत है ना मेरी जान। तो भाई लोग अब ज़ोर से भूख लगी है, तो अब जाने वाले कुछ कोई रेस्टोरेंट में देखने, रेस्टोरेंट में देखते हैं कुछ अच्छा चीज़ खाने को मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो फिर यार क्या कर सकते हैं यार, बैठ के बस पेड़ के नीचे आराम कर सकते हैं। ठीक है गाइस आप अपने ब्लॉग पे बने रहो, आपका ब्लॉगर। गाइस रेस्टोरेंट खोजने तो आए थे, बस रेस्टोरेंट मिला नहीं यार, बट ये जगह देखो कितना शांत है यार, चिड़िया बो रही है यार, शहर में तो उतना मिलता भी नहीं यार देखने को या सुनने को। तो अब हम लोग चलते हैं देखने, रेस्टोरेंट नहीं मिला कुछ पीने के लिए ठंडा या वगैरह वगैरह कुछ ले लेते हैं, और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे का क्या होता है। पास के दुकान से हमको स्ट्रिंग मिला, तो अब यही पिक क्या वेट करने वाले, अब देखते हैं क्या देर में और आती है दी, तो कंटिन्यू देखते रहो यार, बाय बाय, मिलते हैं। नहीं लग रहा था इसलिए जहाँ पर स्टेशन पर हम लोग आ गए, और तो देखो पीछे ट्रेन जा रही है यार, तो वही कुछ करने के लिए बोर हो रहे थे, तो सोचे कि चलो दानापुर स्टेशन घूम लेते हैं, तो यहीं पे देखिए ऐसा वो दिखाते हैं, ट्रेन जा रही है अभी वो स्टेशन पे है, अभी टाइम है दी का एग्ज़ाम ख़त्म होने में, तो अभी यहीं पे रहेंगे कुछ मिनट, फिर उसके बाद जाएंगे वापस सेंटर के पास, तो यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये मेरा पहला ब्लॉग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं कि ये बच्चा फ़ोन से कर रहा है ब्लॉगिंग, वो भी ऐसा फ़ोन से जिसमें कैमरा अच्छा नहीं है यार, मतलब बोल वो लोग हंस रहे हैं। तो भाई मैं उस लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई किसी के पास शुरू से ही DSLR नहीं होता, उसके पास इतना क्षमता नहीं होता, तो प्लीज़ किसी पे हंसा मत करो, जिसके पास जितना उतना में वो कर रहा है बहुत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार, ये मेरा पहला ब्लॉग है, अगर भाई सपोर्ट करते हो यार ब्लॉग ऐसे ही बनते रहेगा, कुछ दिन बाद हम लोग कहीं घूमने जाने का प्लान भी कर रहे हैं, अगर इस वीडियो पर सपोर्ट करते हो तो हम लोग उस वीडियो भी वो घूमने वाला वीडियो भी बनाकर डालेंगे। प्लीज़ सपोर्ट गाइस एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन, नोटिफिकेशन सब मार दो, टिप दो, कैसे भी कर दो, और थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं लास्ट क्लिप में छुट्टी टाइम। ओके गाइस कंटिन्यू, लव यू। तो गाइस हम लोग अपने घर आ गए, और वहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर पाए यार, कुछ प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे, बहुत सारे भीड़ थे तो आवाज़ कुछ ज़्यादा हो रहा था इसलिए ब्लॉग नहीं कर पाए। तो गाइस हम लोग घर आ गए, ये है हम लोग का लास्ट की, अब हम लोग का ब्लॉग ख़त्म होता है यहाँ पे। तो भाई लोग अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना, और ख़राब लगे तो डिसलाइक कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बता देना क्या गड़बड़ कहाँ पर हुआ था ये सब बताना, प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो एंड लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर भी करना, और सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा देना। ओके गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, लव यू, टाटा।